वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगा। गाइस, यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद अब हमें शो के ऊपर स्ट्रीट फाइट का मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर बॉबी लेस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट आज यहाँ पर शो के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस, यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर पिछले 2 महीनों में लगातार बॉबी लेस्ली और कैरियन क्रॉस के हुए राइवलरी के बाद आज फिलाडेल्फिया में WWE के रेसलमेनिया के ऊपर फाइनली यहां पर पहली बार स्ट्रीट फाइट होने वाला है। और क्योंकि ये मैच यहां पर नॉर्मल मैच ना होके बल्कि फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट है, तो गाइस डेफिनेटली आज इस मैच के अंदर टेबल लैडर चेयर के साथ साथ हमें यहां पर टर्म स्टैग और काफी सारे वेपन देखने को मिलेंगे। और इस चीज के बहुत ही हाई चांसेस है कि आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर बॉबी लेस्ली और कैरियन क्रॉस जैसे रेसलर मैच के अंदर बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई दे। वेल, बात करें मैच के विनर की, तो गाइस फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि WWE के रेसलमेनिया के ऊपर, क्योंकि ये मैच यहां पर फिलाडेल्फिया में हो रहा है, तो गाइस बेबी फेस टीम पॉसिबली इस मैच को जीतेगी। और आज यहां पर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट कैरियन क्रॉस ऑथर ऑफ पेन को हरा के पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट को जीत जाएंगे। वेल गाइज, आपको क्या लगता है WWE के रेसलमेनिया के ऊपर आज यहां पर बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट को जीतेंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।